Hey friends, search for TSP Education Hub. Subscribe to my channel and press the bell icon. Select all to get notification of my videos. Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन, बट उसके पहले हम जान लेते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन की मीनिंग. एनी गेसेस? ओके, लेट मी टेल यू. पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको एक पिक्चर दी जाती है, उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना होता है और अपने शब्दों में कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं. इजंट इट वेरी सिंपल? बट देयर आर फ्यू रूल्स. इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. अगर आप ये रूल्स समझ लेंगे तो कोई भी पिक्चर हो आप इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे एंड यू विल बी अ परफेक्ट पिक्चर डिस्क्रिप्टर. द फर्स्ट रूल इज, दिए गए पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है. पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमेशा इन सेंटेंसेस से शुरू करें, जैसे दिस इज द पिक्चर ऑफ डैश, I can see dash 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 in this picture dash. Rule number 2, हमेशा present continuous tense मतलब ing in form of verb ही use करना है. For example, playing, singing, eating, etc. Rule number 3, always use proper punctuation marks. रूल नंबर 4, हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें और लास्ट में लगाएं फुल स्टॉप. रूल नंबर 5, हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, जैसे शहरों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, इंसानों के नाम, एक्सेट्रा. रूल नंबर 6, कोशिश करें कि पिक्चर में दी गई हर एक चीज और हर एक कैरेक्टर के बारे में आप सेंटेंसेस फ्रेम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बन पाएं. रूल 7, फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस फ्रेम करने के समय नाउन्स की पोजीशन को भी बताना है, यानी प्रेपोजिशंस यूज करने हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, एक्सेट्रा. फ्रेंड्स अब मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी. इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है. कम ऑन, लेट्स बिगिन आवर पिक्चर डिस्क्रिप्शन. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और देखिए कि मैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे स्टार्ट करती हूँ. दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन. There are so many people in the picture. They are wearing colorful birthday caps. Mother is holding the hand of birthday boy. There is a big and beautiful cake. The place is decorated with colorful hangings. All are smiling and seems happy in the picture. I can see 6 colorful glasses on the table. 2 boys are wearing similar shirts. There is a candle burning in between the cake. So friends, मैंने तो ये picture describe कर दिया है. Now it's your turn. अब आप इस picture को describe करिए और comment box पर मुझे बताइए कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन कौन से सेंटेंसेस लिख सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर द कॉमेंट्स. बाय बाय एंड हैव अ नाइस लर्निंग डे.